इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा गया हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है इसको आप अपने बुक से मिला सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, यहाँ पर ट्रैकिट्स एंड वेसल्स लिखा गया है, इसको आपको नहीं लिखना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू ऑफ रूट सिस्टम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल दैट रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है कि जाइलम के द्वारा मिनरल वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आखिर ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो जाइलम टिश्यू है वह एक कंटिन्यूअस चैनल का फॉर्मेशन करता है। और ये कंटिन्यूअस चैनल कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, रूट स्टेम फिर लीव्स तक ये फैला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस चैनल कैसे फैला हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये जाइलम टिश्यू को दिखाया गया है और जाइलम टिश्यू यहाँ रूट से होते हुए स्टेम से होते हुए लीव्स तक ये फैला हुआ है। पूरा ये कंटिन्यूअस क्या बनाता है, एक चैनल बनाता है। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड पढ़ना है और वह है वर्ड है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन मैंने आपको बताया था कि जब एरियल पार्ट, एरियल मतलब वायवीय भाग से, प्लांट के वायवीय भाग से जब H2O वाटर वेपर के रूप में प्लांट से बाहर जा रहा है तो उसे ही हम लोग क्या बोले, ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ स्टोमाटा को दिखाया गया है, स्टोमाटा से वाटर क्या हो रहा है, प्लांट के बाहर जा रहा है, तो यही क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे वाटर और मिनरल का प्लांट में कंडक्शन होता है या फिर बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लगातार यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो रहा है और ट्रांसपिरेशन के द्वारा यहाँ पर ये वाटर क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है। तो ये वाटर क्या करेगा, एक सक्शन फोर्स का फॉर्मेशन करेगा जिससे कि क्या हुआ कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, यहाँ खिंचाव पैदा कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह खिंचाव कहाँ तक महसूस होगा, तो यह खिंचाव यहाँ आपको रूट तक महसूस होगा। तो यहाँ रूट से ये सक्शन पंप के द्वारा वाटर क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ते जाएगा। तो यही इसका आंसर भी आपको कर देना है। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स सक्शन प्रेशर। तो यहाँ पर ये ट्रांसपिरेशन है वही क्या कर रहा है, सक्शन प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम सेल ऑफ द रूट। तो रूट से वाटर कहाँ आ रहा है, जाइलम में आ रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है और ऊपर यहाँ पर ट्रांसपिरेशन के द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर इन्वायरमेंट में जा रहा है। तो इस प्रकार से एक चैनल का निर्माण होगा, एक चैनल का फॉर्मेशन होगा और वाटर क्या होगा, वाटर रूट के थ्रू प्लांट के ऊपर के भागों तक पहुंच जाएगा। देन देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट जाइलम टू ऑल द पार्ट्स थ्रू द इंटरकनेक्टेड वाटर कंडक्टिंग चैनल। तो यही वाटर कंडक्टिंग चैनल के द्वारा फिर वाटर क्या होगा, रूट से फिर प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर आपको कर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो दो तीन बातें आपको समझनी होंगी। सबसे पहला तो फूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो फूड का फॉर्मेशन लीव्स में हो रहा है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो दूसरा प्रश्न यह है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन यदि होगा तो किस पार्ट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो आप देखेंगे फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के उन भागों में हो रहा है जहाँ पर फूड की कमी है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि इसको स्टोर करना चाहता है तो वह कहाँ स्टोर कर सकता है, तो इसके फ्रूट में स्टोर कर सकता है या स्टेम में स्टोर कर सकता है या फिर कहाँ स्टोर कर सकता है, तो रूट में स्टोर करता है। इसका मतलब है कि इस फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होना चाहिए वह इसके फ्रूट में होना चाहिए, स्टेम में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। जबकि आप देखेंगे कि जब प्लांट में पतझड़ का सीजन आ जाएगा तो उसका जो स्टोर्ड फूड है वह कहाँ होता है, तो वह स्टेम में होगा या फिर रूट में होगा। तो उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होना चाहिए, तो उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड होगा, मतलब कि उसके रूट से क्या होगा, ऊपर के भागों में होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यह समझ लेना है कि लीफ से सब भागों में ट्रांसपोर्टेशन या फिर रूट से ऊपर के भागों में ट्रांसपोर्टेशन, ये आपको समझना होगा। तो ये थोड़ा टफ होता है, आपको बहुत ध्यान से इसको सीखना पड़ेगा। इसमें दो तीन वर्ड्स आपको जानना होगा। सबसे पहला हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है और दूसरा है ऑस्मोसिस क्या है। तो ये पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो अब एक और खास बात कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस टिश्यू के द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो फूड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फूड का फॉर्मेशन हो गया लीव्स में। कैसे हो रहा है, तो यह फूड का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के द्वारा हो रहा है। तो अब एक एक स्टेप आपको लिखना है। तो फूड का सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके लिए फूड सबसे पहले कहाँ जाएगा, फ्लोएम में जाएगा। तो फ्लोएम यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाया हूँ फ्लोएम को अलग से। तो फूड सबसे पहले एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा आपका, फ्लोएम में। या फिर बोलेंगे कि ये फूड कहाँ पर आएगा, तो फ्लोएम में। तो फ्लोएम में जब फूड आएगा तो उसके लिए क्या जरूरी पड़ेगा, एनर्जी जरूरी पड़ेगा। और वह किस रूप में जरूरी पड़ेगा, एटीपी के रूप में जरूरी पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में फूड कहाँ पर पहुँच गया, फ्लोएम में पहुँच गया। तो इसको लोड भी कह सकते हैं कि फूड कहाँ पर लोड हो गया, तो फ्लोएम में लोड हो गया। क्यों लोड हो गया, ताकि वह एक जगह से दूसरे जगह जा सके, मतलब कि जहाँ पर इसका ज़रूरी है वहाँ पर यह जा सके। तो इसी को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो अब यहाँ फूड आ गया, फूड कहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर है, फ्लोएम में। लेकिन क्या ये चलना शुरू कर दिया, तो नहीं। तो जैसे ही फूड यहाँ पर आएगा तो बगल से जाइलम से वाटर कहाँ इंटर करना शुरू कर देगा, इस फ्लोएम में इंटर करना शुरू कर देगा। तो जाइलम से ये वाटर फ्लोएम में क्यों इंटर कर रहा है, ऑस्मोसिस के द्वारा इंटर कर रहा है। और जैसे ही जाइलम से वाटर फ्लोएम में आना शुरू करेगा तो अब ये क्या करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा। और कैसे मूव करेगा, तो जहाँ जहाँ इसको जाना है उस साइड में ये क्या होगा, मूवमेंट इसका होगा। तो देखिए ये फूड कहाँ पहुँच गया, मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद फूड को जहाँ पर इसको पहुँचाना है वहाँ पर ये पहुँचा देगा। उसके बाद वापस से वाटर क्या हो जाएगा, जाइलम में पहुँच जाएगा। तो ये इतना लंबा प्रक्रिया है, तो इसको मैंने सिंपल वे में आपको बताया, आपको ऐसे ही याद करना है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स जो वर्ड यूज़ किया गया है, तो मैंने आपको बता दिया लीव्स से भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक ये ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, या रूट से भी हो सकता है। तो आप लीव्स लिखें या ना लिखें यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो फ्लोएम के द्वारा प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में फूड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन उसे कहेंगे जिसमें एटीपी के रूप में एनर्जी का जरूरी होगा। तो यहाँ जो हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप पढ़ा कि सबसे पहले फूड कहाँ लोड होता है, तो फ्लोएम में लोड होता है, तो उसके लिए एटीपी के रूप में एनर्जी का जरूरी पड़ेगा, इसलिए ये क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू इंक्रीजेस कॉजिंग वाटर टू मूव इन टू इट। तो सबसे पहला कहाँ पर आएगा फूड, फ्लोएम में आएगा, और जिसके कारण यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ से जाइलम से वाटर कहाँ चला जाएगा, यहाँ फ्लोएम में आएगा, और उसके बाद ये जो फूड है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, या फिर बोलेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह यह चलना शुरू कर जाएगा। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम। यह प्रेशर क्या करेगा, फ्लोएम के जो फूड मटेरियल है उनको मूव करना शुरू करेगा। टू द टिश्यू विच हैज़ लेस प्रेशर, दिस इज़ हेल्पफुल इन मूविंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट। तो जहाँ जहाँ प्लांट को नीड होगा वहाँ वहाँ फूड मटेरियल पहुँच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फूड मटेरियल सच एज सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इन टू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एटीपी एनर्जी। तो यहाँ पर सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, सुक्रोज का ही ट्रांसपोर्ट था। इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट को आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी का यूनिट मानते हैं। नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी। तो बेसिक फिल्टरिंग यूनिट किडनी का क्या हो गया, नेफ्रॉन, या स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट भी क्या हो गया, नेफ्रॉन। तो इसे आप याद करके रखिए, ये वन मार्क्स में भी कभी कभी पूछा जाता है। ईच किडनी पजेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन, प्रत्येक किडनी में बहुत लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन आर ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल एंड द लॉन्ग रेनल ट्यूब्यूल। तो एनसीईआरटी से ही लिखा हुआ है,
सबसे पहला क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल, आप देख सकते हैं ये है बोमेंस कैप्सूल, और दूसरा क्या है ग्लोमेरुलस, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है ग्लोमेरुलस, और फिर ये है रेनल ट्यूब्यूल, ये देख सकते हैं ये रेनल ट्यूब्यूल पूरा यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो यही इसका स्ट्रक्चर है, इसे ही आप एग्ज़ाम में ये तो बहुत बार पूछा जाता है, आपको ये याद कर लेना चाहिए। तो आखिर अब इसका फंक्शन हम लोग को देखना है कि कैसे कैसे ये फंक्शन करता है। तो बेसिकली यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो ये कैसे फंक्शन करता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बेसिकली ब्लड को क्या करता है, छानने का काम करेगा। तो ब्लड को छानने का, और दूसरा क्या होगा, इस ब्लड को यदि छान दिया गया तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। तो पहला हो जाता है फिल्ट्रेशन, और दूसरा क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है सिक्रीशन। लेकिन आपके बुक में दो ही दिया है, फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। तो ये कैसे कार्य करता है, सबसे पहला क्या होता है फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ब्लड है उसको ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के द्वारा क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। और उसके बाद जो ये फिल्ट्रेट है वो कहाँ आते हैं, ये रेनल ट्यूब्यूल में आते हैं। और दूसरा प्रोसेस क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल है उसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इन दो प्रक्रिया के बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जिसको फिर कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है। तो यही है इसका फंक्शन, यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है उसमें भी आप यही प्रक्रिया को लिखेंगे, क्योंकि दोनों का फंक्शन क्या है, एक ही है। तो फंक्शन यहाँ पर डिटेल में दिया गया, द ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी, ब्लड किडनी में कैसे इंटर करता है, रेनल आर्टरी में, विच ब्रांचेज इनटू मैनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलस, और वहाँ पर ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन होता है। और इसी ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल में, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, नेफ्रॉन में पाया जाता है, ब्लड क्या होता है, छनता है, या फिर बोलेंगे फिल्टर होता है। द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर टू नेफ्रॉन टू बोमेंस कैप्सूल इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वगैरह आपको नाम नहीं लिखना है, तो सीधा सीधा जो मैंने बताया वही आपको करना है कि क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इसके थ्रू होकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके थ्रू होकर क्या फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर होगा। और ये फिल्ट्रेट कहाँ आ जाएगा, आपका ट्यूब्यूल में आ जाएगा, ये रेनल ट्यूब्यूल है जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है। और यहाँ पर फिर रीएब्जॉर्प्शन होगा, और रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं, तो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस वापस ब्लड में चले जाएंगे, और ये जो फिल्ट्रेट लास्ट में बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिन। तो बस आप इतना ही लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, प्लांट अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कैसे से कैसे निजात पाते हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, उसका आंसर भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो प्लांट कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, वाटर वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकालेगा। वेस्ट मटेरियल में भी स्टोर्ड इन द सेल वैक्यूल्स और एज गम एंड रेजिन, तो वेस्ट मटेरियल उसके सेल वैक्यूल में स्टोर्ड होता है, गम के और रेजिन के रूप में भी स्टोर होता है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, स्पेशली ओल्ड जाइलम ये गम्स और रेजिन के रूप में होगा। इट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन द लीव्स दैट लेटर फॉल ऑफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्लांट है अपने वेस्ट मटेरियल को लीव्स में भी क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जो कि वह गिरा देगा उस लीव को तो वहाँ पर वेस्ट मटेरियल कहाँ चला जाएगा, उसके बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्लांट एक्सक्रीशन करता है, यदि दो मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इंटेक्स्ट क्वेश्चन का, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, तो हमारे बॉडी में जो यूरिन बन रहा है वह कैसे रेगुलेट हो रहा है, इसी को यहाँ पर बताया गया है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में। तो यूरिन कैसे रेगुलेट हो रहा है, तो यूरिन एक्सेस ऑफ वाटर और डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उस पर निर्भर कर रहा है कि वह ज़्यादा बनेगा या फिर कम बनेगा। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ जो यूरिन बन रहा है हमारे बॉडी में डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर, हमारे बॉडी में यदि एक्सेस वाटर है तो ज़्यादा यूरिन बनेगा, कम वाटर है तो कम यूरिन बनेगा, और साथ ही साथ डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल पर भी वह निर्भर करेगा। यदि आप कुछ और ज़्यादा लिखना चाहते हैं 11th क्लास का, तो थोड़ा सा और यहाँ पर बताया गया है, हालांकि ये बहुत डिटेल आंसर होता है इसका, बहुत
ज़्यादा बातें इसमें लिखनी होती है, लेकिन आपको टेंथ का आंसर करना है तो आप ज़्यादा यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं। सम अदर फैक्टर्स सच एज हैबिटेट, कहाँ वह ऑर्गेनिज्म रह रहा है, इसके साथ उसके बॉडी में हार्मोन जैसे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है ADH, वह भी क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। यदि आपको ये याद हो सकता है तो आप इसको भी लिख लीजिए, हालांकि ये आपके NCERT बुक में नहीं लिखा हुआ है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।